सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसईटीयूजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड का क्या मतलब होता है ये जानने की कोशिश की थी, जो इनफैक्ट उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज भी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये वीडियो देखने से पहले आप उसको देख लीजिए, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ टर्म्स और सुनने को मिलेंगी। इनफैक्ट काफी लोगों ने मेरे से कमेंट्स में भी पूछा था कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है और पेड अप कैपिटल क्या होता है। अब देखिए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके की टर्म्स काफी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं और आपको लगता है कि यार इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों बनाया हुआ है। देखिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, हम उसको कॉम्प्लेक्स खुद से बना लेते हैं। हर चीज का एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा वो रीजन क्या है और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चलते हैं सीधा व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑथराइज कैपिटल की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके अंदर आपको शेयर्स इशू करने होते हैं। जो भी प्रोमोटर्स हैं या ओनर्स हैं वो अपना कुछ पैसा डालेंगे, 5 लाख या 10 लाख, जितना भी मिनिमम अमाउंट वो डालना चाहते हैं, उस पैसे के अगेंस्ट उनको शेयर्स इशू होते हैं। अब ये शेयर्स कितने इशू होते हैं यही डिसाइड होता है ऑथराइज्ड कैपिटल से या इशूड कैपिटल से। इसको अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? कोई भी एक कंपनी जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है ये डिसाइड होता है ऑथराइज्ड कैपिटल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैक्सिमम ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख शेयर्स हैं किसी कंपनी के और हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए रखी गई है तो किसी कंपनी की 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। कोई भी कंपनी जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है और हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है वो 1 लाख से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। अगर उसको 1 लाख से ज्यादा शेयर्स इशू करने हैं तो उसको गवर्नमेंट के अप्रूवल लगेंगे। अब चलिए बात करते हैं हम इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल की। अब मान लीजिए ऑथराइज कैपिटल प्रोमोटर्स ने 10 लाख रखी है और प्रोमोटर्स कहते हैं कि हमारा तो काम 6 लाख से ही चल जाएगा और हम पूरे के पूरे शेयर्स अभी इशू नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 60,000 शेयर्स इशू कर लेते हैं अपने आप को, 6 लाख रुपए हम डाल देते हैं। तो 60,000 शेयर इंटू एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो 6 लाख उन्होंने डाल दिए तो ये जो वैल्यू बनी ये हो गई आपकी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्योंकि ये प्रोमोटर्स को 60,000 शेयर्स ऑलरेडी इशू कर दिए गए हैं तो इशूड कैपिटल 60% शेयर ऑलरेडी इशू कर दिए गए हैं। अब क्योंकि ये पैसे ऑलरेडी कंपनी के अंदर आ चुके हैं इसीलिए हम इसको पेड अप कैपिटल भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, यहां पे इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल एकदम सेम है, लेकिन जब कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, स्टॉक एक्सचेंज पे जब पैसा रेज किया जाता है, आईपीओ के थ्रू पैसा रेज किया जाता है, तो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क आ सकता है। लेकिन अगर हम जनरली कहें तो अभी हम सिंपल भाषा में समझने के लिए, जब भी आप कोई नई कंपनी शुरू करेंगे तो इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम ही है। जितना भी आपने पैसा डाला इनिशियली उसके अगेंस्ट आपको जितने भी शेयर्स इशू हो गए वो आपकी इशूड कैपिटल या पेड अप कैपिटल हो गई। तो ये जो बाकी के 40,000 शेयर बचे, अब इसलिए देखिए घड़े के अंदर आपने 6 लाख रुपए तो डाल दिए तो ये 40,000 शेयर क्यों छोड़ दिए गए और इसका क्या फायदा है, क्यों छोड़े जाते हैं? हम क्यों नहीं 10 लाख रुपए डाल के सारे शेयर अपने आप ही क्यों नहीं खरीद लेते? इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? ये हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप फ्यूचर में कुछ पैसा रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ शेयर्स छोड़ देते हैं। जो भी नए इन्वेस्टर्स आएंगे वो कुछ पैसा डालेंगे तो उनको आप यहां पे ये वाले शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा केस समझिए, अगर आपने ये सारे के सारे शेयर्स खुद ही अपने आप को इशू कर लिए होते, ये सारा का सारा घड़ा भर दिया होता आपने, ये पूरी की पूरी पेड अप कैपिटल ही हो गई होती, 10 लाख रुपए आपने ही पूरी कंपनी में डाल दिए होते, तो उस केस में अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट रेज करनी होती तो आपको ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसको इंक्रीज करना पड़ता। और जब हम ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है और साथ में गवर्नमेंट की फीस भरनी पड़ती है। थोड़ा सा कंबरसम प्रोसेस हो जाता है। तो जब भी आप कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करें तो उसको 100% पेड अप कैपिटल मत करें। आप अगर इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, आपको लगता है कि आप हमेशा 100% खुद ही ओनर रहेंगे, तो आप उसकी 100% पेड अप कैपिटल कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अनइश्यूड कैपिटल जरूर रखनी चाहिए। तो ये जो खाली है, जो पानी से नहीं भरा है,
यानी कि जो पेड अप कैपिटल नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अन इशूड कैपिटल, क्योंकि इसको आपने इशू नहीं किया है, ये कंपनी के पास ही है शेयर्स। अब देखिए यहां पे सवाल उठता है कि कितने, क्या मैं हमेशा जब भी ये शेयर्स इशू करूंगा तो मैं मैक्सिमम 4 लाख की ही इन्वेस्टमेंट रेज कर सकता हूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये खाली फेस वैल्यू है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे तो आप ये 10 रुपए के हिसाब से मार्केट में नहीं बेचेंगे इस शेयर को, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। अब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है और साथ में बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप ये वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं कि अल्टीमेटली ये जो 40,000 शेयर हैं आप इसको 10 रुपए पे ना बेच के हर शेयर 1,000 रुपए का भी बेच सकते हैं, 10,000 रुपए का भी बेच सकते हैं, कितनी भी वैल्यू हो सकती है इसकी, वो आपकी बिजनेस की कितनी वैल्यूएशन आती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, फेस वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहने वाली है अनलेस उसको चेंज किया जाए बाय राइटिंग। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पे आप ओनरशिप 100% अपने पास रखेंगे हमेशा, तो आप 100% पेड अप कैपिटल पे जा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पे आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट रेज करनी होगी, तो ऐसे केस में आपको अन इशूड कैपिटल रखनी चाहिए थोड़ी बहुत। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।